हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपना चैनल जॉब सक्स में। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुँच जाए। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, थंबनेल देख के ही आप वीडियो में इंटर किया था अपने वीडियो में। तो दोस्तों आपको पता है कि मैं किस टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, टॉपिक रहेगा अपना RRB ग्रुप डी एग्जाम डेट। जी हाँ दोस्तों, कि RRB जो अभी रेलवे ग्रुप डी है उसकी वैकेंसी जो निकली थी पहले, कुछ टाइम पहले निकली थी दोस्तों, लगभग 1.5 या 2 साल की बात हो चुकी है वैकेंसी निकली थी, लेकिन अभी तक उसकी जो डेट है वो घोषित नहीं हुई थी। बताना चाहूँगा कि पिछले 1-1.5 साल में लगभग 1 लाख से ज़्यादा पदों पर भर्ती निकली थी, जिसमें से अनेक पदों पर भर्ती होनी थी, उसमें से कुछ पोस्ट थी वो रेलवे ग्रुप डी की भी थी। लेकिन हमने अपना काम कर दिया, यानी फॉर्म फिल करवा दिया, लेकिन गवर्नमेंट अपना काम नहीं कर पाई। उसके पीछे कुछ वजह थी, जैसे कोरोना काल का समय हो गया, उसके बाद में चुनावी इलेक्शन का टाइम आ गया, फिर उसके बाद में और भी बहुत सारे कारण थे जिसके चलते RRB जो डिपार्टमेंट है वो भी थोड़ा विवश यानी मजबूर हो गया था। तो अभी दोस्तों एक खबर निकल के आई है, अच्छी खबर है कि 17 अगस्त को आपका एग्जाम होगा। जी हाँ दोस्तों, 17 अगस्त को CBT होना है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, या CBE भी बोल सकते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। तो वो 17 अगस्त को होना है। बाकी अगर आपके मन में ये ख्याल आता है कि यार एडमिट का कार्ड कब रिलीज होंगे, जी हाँ दोस्तों, हर किसी के मन में ये ऐसी स्थिति में पड़े हुए हैं कि एडमिट कार्ड कब जारी होंगे, तो बताना चाहूँगा कि जो भी एग्जाम देते हैं उसे 4 दिन पहले, यानी अगर 17 तारीख को है तो 13 तारीख को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और एक जरूरी बात दोस्तों, अगर आपने अभी तैयारी स्टार्ट कर दिया तो आपके पास में 1-1.5 महीना बचा है, तो आराम से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्या पता आपका लक वहीं पे आके आपका लक बनना स्टार्ट हो जाए दोस्तों। ठीक है, क्या आप उसी के लिए बने हो, आगे आगे देखें हैं क्या प्रमोशन होता है क्या होता है, लेकिन जो भी छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं वो छोटे काम से स्टार्ट होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों मुझे आशा है कि वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली ऐसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।